दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो मेरे घर के पास में ही एक पुल पड़ता है, जिसका नाम है पैमेश्वर गेट। और पैमेश्वर गेट के पास में ही एक मंदिर बना हुआ है साईं बाबा का। तो आज मैं आपको साईं बाबा का मंदिर दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। और अभी हम लोग, मैं और रोहित, हम दोनों जा रहे हैं साईं बाबा का मंदिर देखने के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय चलने के बाद अब मंदिर बस अब यहाँ से थोड़ी दूर रह गया है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पीछे मेरे, मैं अभी साइड में, ये ट्रेन की पटरी है मेरे बगल में, और हम लोग थोड़ी देर में बस मंदिर पहुँचने वाले हैं। और आज मैं आपको पूरा अपने जो यहाँ का फेमस साईं बाबा का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ रहती है हर बृहस्पतिवार को, तो अभी हम लोग उस तरह जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे साईं बाबा का मंदिर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये जो सामने आपको ये पुल दिखाई दे रहा हो, ये वाला पुल, ये पैमेश्वर गेट है। और ये कुन्ने पे जो आपको पीला पीला गेट दिखाई दे रहा है, ये साईं बाबा का मंदिर है। तो अभी हम इसी गेट के अंदर, दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये साईं बाबा का मंदिर का गेट आ चुका है, और अभी हम लोग इस गेट के अंदर जाने वाले हैं। जय हो साईं बाबा की। और अभी ये मंदिर बंद है, लेकिन अभी शाम के टाइम पे ये खुल जाएगा। दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो ये साईं बाबा का मंदिर है। अभी ये शाम का टाइम है और यहाँ पर अभी सब बंद है, अभी सारे दरवाजे यहाँ के बंद हैं। ये साईं बाबा का मंदिर है, और ये जो आपको पीछे ये गेट दिख रहा होगा, यहाँ पर अंदर साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई है, अभी बंद है। अभी मैं यहाँ पर शाम को आऊँगा दोबारा से, शाम 5 बजे आएंगे, और आपको फिर से मैं इस मंदिर का पूरा वीडियो शूट करूँगा। अभी मैं आपको घूम घूम कर दिखा देता हूँ। अभी हम मंदिर में, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ का ठोयाबाद का। और इधर शिवलिंग की मूर्ति लगी हुई है इसके अंदर, और ये भोलेनाथ का मंदिर है इसके। अभी मैं इस घंटे को बजाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना दिया है। ये पहले बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर था, और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो दोस्तों, इस दरवाजे के अंदर साईं बाबा की मूर्ति लगी हुई है। अभी शाम के 5 या 5:30 या 6 के समथिंग ये मंदिर बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और आपको इधर से मैं दिखा देता हूँ। इधर आप लोग देखिए, इधर का दूसरा दरवाज़ा है, क्योंकि इधर से, इधर की साइड से घुसते हैं, और इधर की साइड से ये जो दरवाज़ा है, इधर से आप निकलते हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, और इधर आप लोग देख सकते हो ये बजरंगबली का मंदिर है इधर की साइड में, और इधर की साइड में आप लोग देख सकते हो इसमें जितने भी भगवान हैं सबकी मूर्ति बनी हुई है इसके अंदर, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं इसके अंदर। अभी ये थोड़ी देर में खुलने वाला है, तो मैं अभी वेट करूँगा यहाँ पर बैठकर, और आप लोगों को आज पूरा मंदिर घूमकर दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो अभी मंदिर में ताला डला हुआ है, अभी करीब थोड़ी देर में यहाँ पर ये खुलने वाला है। और ये बजरंगबली की मूर्ति है, और इधर आप लोग देख सकते हो ये भगवान शिवलिंग की मूर्ति है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है ये साईं बाबा का मंदिर है पैमेश्वर गेट पे ठोयाबाद के, आप लोग देख सकते हो। इधर ये शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये पुराना
बरी का पेड़ है ये दोस्तों, बहुत ही पुराना मंदिर, बरी का पेड़ है ये। और ये टीन आप लोग देख सकते हो ऊपर आसमान में लगी, ये अभी नया नया लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर में, मैंने अभी जानकारी ली है, थोड़ी देर में ये मंदिर अभी खुलने वाला है। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये हमारे नंदी महाराज हैं, जय हो नंदी महाराज की जय हो। उधर साइड में बैरंगबली का मंदिर है, और इधर ये गेट दिख रहा है, एक साइड में ऐसा ही गेट और है, उधर से घूम के आते हैं, फिर इधर से निकल के बैरंगबली के दर्शन करने के लिए आते हैं। उधर साइड में एक गुफा बनी हुई है, उधर अंदर शायद काली माँ का मंदिर है। उधर की साइड में भी खूब अच्छे अच्छे मतलब मंदिर बने हुए हैं, और आप लोग देख सकते हो इसमें अंदर गौशाला भी बना हुआ है, मंदिर पेमेश्वर नाथ महादेव साईं बाबा गौशाला। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये इधर साइड में सारे के सारे मंदिर अभी बंद हैं, बस थोड़ी समय की बात है कि सारे के सारे मंदिर अभी खुलने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में ये मंदिर अभी चालू होने वाला, आप लोग देख सकते हो ये अंदर की गुफा बनी हुई है, इसमें अंदर काली माँ का मंदिर है, और इसमें थोड़ी समय में ये खुलने वाला है। तो अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर काली माँ का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो मंदिर के पंडित जी हैं वो अभी आ चुके हैं, और मंदिर का अभी सारे के सारे मंदिर के दरवाजे खुल रहे हैं। अभी ये यहाँ पर गुफा का दरवाजा खुल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये अभी खुल चुका है, और मैं अभी इसके अंदर जा रहा हूँ। पंडित जी आपसे निवेदन, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, आपकी क्या राय है? ये मंदिर प्राचीन होने के साथ साथ यहाँ के इस गेट का, इस मंदिर के नाम से इस गेट का नाम है, और जिस गुफा में अभी आप जिसको देख रहे हैं, इस गुफा में ये उसको हमें कभी अज्ञातवास के समय में चंद्रशेखर आजाद यहाँ रुके थे, ऐसा यहाँ के बुजुर्गों का कहना है, और एक प्रमाणित है ये बात कि वो यहाँ रुके थे इस गुफा में। और यहाँ पर इस गुफा में कभी पहले संत रहे हैं, जिन्होंने इस मंदिर में जैसे समाधि बोलते हैं समाधि ली, और उसके बाद में 31 दिन तक वो इसमें बंद रहे, उसके बाद में फिर वो बाहर निकाले गए, उन्होंने का समय दिया था उसके अनुसार। तो ये सिद्ध जगह है, यहाँ पर अगर किसी की कोई भगवान परमेश्वर नाथ के नाम से ये मंदिर है, अपने सच्चे मन से अगर वो अपनी प्रार्थना करता है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप लोगों ने अभी यहाँ के जो पंडित जी हैं अभी उनकी बात सुनी होगी, तो वो बहुत कुछ बता कर गए हैं आपको इस मंदिर के बारे में। अभी आप जो देख रहे हो ये मेरे नीचे जो गुफा बनी हुई है, ये देखिए दोस्तों ये काली माई की गुफा है, मतलब काली मैया की गुफा है, और अभी हम लोग इसमें अंदर जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि ये गुफा कितनी गहरी है, और इसमें जो काली मैया की मूर्ति बनी हुई है या तस्वीर है अंदर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसके अंदर जाता हूं, और तो ये गुफा है इस मंदिर की, और अभी हम लोग इसमें जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग गुफा के अंदर आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर मार्बल बिछा दी गई है, मतलब और डेंटिंग पेंटिंग के अनुसार बहुत अच्छा काम कर दिया है। पहले मैं आया था तो इतना सब कुछ नहीं था, मतलब पुरानी दीवारें थी, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मंदिर की कंडीशन है वो काफी अच्छी बना दी गई है। आप लोग देख सकते हो मैं अभी यहाँ से आया था, और इस सीढ़ियों से उतरते हुए मैं अभी अंदर गुफा के आ चुका हूँ, और नीचे चलते हैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है रोहित, तो ये कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने के लिए, मैं तो अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ। आप लोग रोहित की भी बात सुनिए, ये भी यहाँ पर घूमने के लिए आता रहता है, और ये काली मैया की मूर्ति है, मैं अभी इनके पैर छू लेता हूँ, जय हो काली मैया की। और इधर दीपक लगा हुआ है, दोस्तों ये काली मैया आप लोग देख सकते हो, और मैं अभी गुफा के अंदर आ चुका हूँ, और आप लोगों ने ये गुफा देख ली होगी कैसी है। ये साईं बाबा का मंदिर है, और मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, तो मैंने आज आपको इस मंदिर की काफी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा मंदिर पूरे डिटेल से दिखाऊं। और ये जो आप गुफा देख रहे हो अभी मैं आपको, तो आप लोग देख सकते हो गुफा काफी अच्छी बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हो ये सीढ़ियां कैसे कैसे अंदर आ रही हैं और जा रही हैं। और इधर से आप, ये जो रास्ता था अभी मैं अंदर से घुसा था, तो इधर इधर से मतलब आप लोग आ सकते हो, इधर से जाने का रास्ता दूसरा है।
आप लोगों ने मंदिर देख ही लिया होगा, एक काली मैया की मूर्ति लगी हुई है अंदर, आप लोग देख सकते काफी खूबसूरत मूर्ति है। और इधर साइड में दीपक जल रहा है और आप लोग देख सकते हो, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है श्री सिद्ध गुफा एवं काली माँ का मंदिर तेमेश्वर नाथ महादेव फोयाबाद। आप लोग देख सकते हैं श्री सिद्ध गुफा एवं काली माँ का मंदिर तेमेश्वर नाथ महादेव फोयाबाद। ये और आप रास्ता देख रहे हो, ये इधर की साइड में, ये यहाँ से निकलने का रास्ता है। तो अभी हम लोग इधर की साइड से निकलने वाले हैं। दोस्तों मैं अभी इस रास्ते से जा रहा हूँ, रोहित तो ऊपर पहुंच गया है, तो मैं अभी भी इस रास्ते में हूँ। तो अभी मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ, और ये देखिए दोस्तों सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। दोस्तों मैं अभी गुफा के बाहर आ चुका हूँ, और आप लोग देख सकते हो अब मंदिर सारा खुली गया है, और ये इधर से गेट है निकलने का इस गुफा का। और इधर साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये गौशाला बनी हुई है, जो अभी मैंने दूर से यहाँ से ये तस्वीर ली थी। अब ये गौशाला है और इसमें गाय बंधी हुई हैं। अभी हम लोग उधर साइड में एक एक करके सारे मंदिर ओपन हो रहे हैं, तो अभी हम लोग साई बाबा के दर्शन करके इधर के सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। अभी हम फिलहाल में इधर की साइड में डोलने के लिए चलते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों इधर काफ़ी घूमने लायक और पार्क टाइप। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये इधर की साइड में एक गैलरी सी जा रही है सड़क, और ये सामने आप लोग देख सकते हो वहाँ पर एक अखाड़ा है जहाँ पर पहलवानी की जाती है। और ये जो आपको ये मंदिर टाइप से दिख रहे हैं ये थान बने हुए हैं जगह जगह पर, और इनकी समय आने पर मतलब मंदिर में सजावट और पूजा का कार्यक्रम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से होता है। देख सकते हो दोस्तों ये थान बनी हुई है इधर मंदिर में, और ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है फोयाबाद का। दोस्तों ये मंदिर साईं बाबा का मंदिर है, आप कभी भी आओ तो इस साईं बाबा के मंदिर में ज़रूर आना, क्योंकि इस मंदिर में आने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों मेरा पक्का वादा है आपसे, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आता हूँ, कभी भी कोई काम की ज़रूरत हो तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये सामने अखाड़ा बना हुआ है, यहाँ पर पहलवानी की जाती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने देखा है यहाँ पर खूबसूरत तरीके से पहलवानी की जाती है। यहाँ पर पहलवान आते हैं, अपना अपना जो भी स्टंट होता है वो लोग करते हैं, और खूब अच्छे तरीके से सिखाई भी जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ कुछ वैसे हो, मतलब सिखाई जाती है और अपने समय अनुसार की जाती है। आप लोग देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ की मिट्टी साफ है एकदम, और चारों तरफ थाने बनी हुई हैं। आप लोग देख सकते हो इस ग्राउंड में, ये मंदिर के पीछे आ चुके अभी, क्योंकि अभी उधर साइड में। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के पीछे आ चुके हैं, और आप लोग ये देख रहे हो ये जो स्थान है, ये जो जगह है, ये मिट्टी डली हुई है, ये बिल्कुल एक बढ़िया तरीके से पहलवानी करने के लिए मतलब यहाँ पर ये जगह बनी हुई है। और चारों तरफ आप लोग मेरे देख सकते हो ये यहाँ पर थाने बनी हुई हैं। अभी हम लोग बस थोड़ी देर में साईं बाबा के दर्शन करने वाले हैं, क्योंकि अभी मंदिर खुल ही रहे हैं एक एक करके, तो हम लोग उधर की साइड में जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, बंदर भी हैं यहाँ पर काफ़ी, एक बंदर तो ये बैठा है, और इधर की साइड में भी काफ़ी बंदर हैं। अभी थोड़ी देर में जब दोस्तों यहाँ पर मेला खूब लगता है, मतलब मेले में बहुत भीड़ होती है, ये सब भर जाता है। ये आप लोग देख सकते हो ये जितनी भी जगह दिख रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी जब मंदिर में मेला लगता है तब। दोस्तों इस मंदिर में जब जन्माष्टमी आती है तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को सजा दिया जाता है, और इसमें बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार बनाया जाता है। इसके बाद मतलब इससे पहले जो होली आती है, होली के बाद मतलब यहाँ पर गुलरियाँ सिराई जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं, काफ़ी अच्छा डांस वांस वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें होता है। तो अभी हम लोग काफ़ी यहाँ का वीडियो शूट कर चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर की साइड में। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी मंदिर के गेट खुल गए हैं इधर की साइड में, जो अभी मैंने आपको ये शिवलिंग की मूर्ति दिखाई थी, अभी ये गेट भी खुल गया। और इधर की साइड में ये जो इधर का जो एक गैलरी बनी हुई है, इधर से जहाँ साइड से मुड़ के उधर मैंने आपको एक पहले गेट दिखाया था जो बंद था, तो हमें उसी गेट से निकलना है और इसमें दर्शन करते हुए जाना है। तो अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं, अभी एक तो हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। जय हो साईं बाबा की। दोस्तों ये पालकी रखी हुई है साईं बाबा की, और इधर आप लोग देख सकते हो
ये है तिरुपति, तिरुपति बालाजी। दोस्तों ये तिरुपति बालाजी का आप देख सकते हो ये मंदिर है, और इधर साइड में आप लोग देखोगे तो इधर आप देख सकते हो दोस्तों ये सूर्य भगवान जी हैं। ये सूर्य भगवान की मूर्ति लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। और ये आप इसमें घोड़े भी देख सकते हो, ये 6 यानी 6 घोड़ों पर सूर्य भगवान जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और इधर आप लोग देख सकते हो ये भी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन इनका नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि लिखा नहीं है। इनका नाम शायद धर्मराज, धर्मराज जी हो सकता है इनका। और इधर आप लोग देख सकते हो ये दोस्तों ये महिषासुर नीची कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये उनकी मूर्ति है। किसी ने नाम में डाल दिया क्योंकि मुझे तो इनका भगवान का नाम नहीं पता है, मुझे तो सारे भगवान एक जैसे लगते हैं। तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं, और आप लोग ये देख सकते हो दोस्तों ये शिव परिवार है, यानी कि शिव भोले और माता पार्वती की मूर्ति है ये शिव परिवार। और इधर की साइड में चलते हैं, ये शंकर भगवान की मूर्ति है दोस्तों। और आगे हम लोग चलते हैं, ये गोवर्धन महाराज की मूर्ति है। और आगे चलते हैं, ये बांके बिहारी जो कि यहाँ के सबसे फेवरेट हैं, बांके बिहारी यानी कन्हैया जी, बांके बिहारी जी, ये उनका रूप का, ये उनका काले रूप का मतलब वो है मूर्ति है। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये जो है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। और इधर साइड में आप लोग देख सकते हैं दुर्गा मैया, दुर्गा मैया की मूर्ति है। ये सरस्वती मैया की मूर्ति है इधर साइड में। और आप लोग ये देख सकते हो ये हमारे गणपति महाराज हैं, गणेश भगवान जी की मूर्ति है। इस तरीके से दोस्तों ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और अभी हम लोग इस गेट में आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर खड़े हो गए हम लोग, वीडियो शूट कर रहे थे, तो अभी हम लोग इस गेट से निकल जाएंगे दोस्तों। अभी इस गेट से हम लोग निकल चुके हैं और इधर जा रहे हैं हम लोग शिवलिंग का वीडियो शूट करते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई है। जय हो शिवलिंग महाराज की, जय हो, जय हो भोलेनाथ, जय हो नीलकंठ महादेव। दोस्तों अभी साईं बाबा का गेट खुल चुका है, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है साईं बाबा की, और ये गेट खुल चुका है। अब हमें इन्हीं के दर्शन करने थे, तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है ये साईं बाबा की, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी मूर्ति है ये। खोयाबाद के साईं बाबा का मंदिर है, पेमेश्वर गेट पर दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ के जो पंडित जी हैं वो आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ये पंडित जी यहाँ के। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? हम यही कहना चाहते हैं ये हमारा जो मंदिर है काफी विशाल जगह में बसा हुआ है, आप सभी भक्तगण आकर दर्शन करें तो मंदिर में और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने सुना कि पंडित जी ने आगे में पंडित जी हैं, उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा धन्यवाद दिया है उन्होंने हमारे सभी फ्रेंड्स को, सब्सक्राइबर्स को। तो आप लोग देख सकते हैं ये साईं बाबा का मंदिर है, मैंने आपको चारों तरफ साईं बाबा का मंदिर आप मैंने घुमा के दिखा दिया, मतलब आपको पूरा मैंने इसमें जो भी सीन थे वो लेने थे वो मैंने ले लिए, बस आखिरी जो रह गया था मतलब साईं बाबा का ये मंदिर अब खुल चुका था, तो मैंने आपके दर्शन करा दिए साईं बाबा के। और चलिए दोस्तों मैं आपको फिर से मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे साईं बाबा के आप लोग दर्शन करने आए तो आप लोग आ सकते हो, ये पेमेश्वर गेट पर मंदिर है साईं बाबा का।
तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।